हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ प्रश्न दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपये में 3% 3 वर्ष में 956 हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 हो जाता है तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, अपन को ये बताना। तो अपन सॉल्व लिखते हैं, तो अपन क्या देखते हैं, मूलधन कितना दिया हुआ है। तो मूलधन दिया हुआ है 800 रुपये। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। और मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है इसका 956। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो कितना हो जाएगा ये 956 माइनस 800, तो ये हो जाएगा 156 साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 500, 156 हो गया। तो अब निकाल लेंगे अपन इससे दर निकाल लेंगे। तो मूलधन ऐसा ही बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मतलब प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 156 बराबर 800 गुणे दर, नहीं पता अपन को, समय 3/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 × 8 3 × 5 15, 3 × 3 3 × 5 15 और 3 × 2 6, 3 × 2 6, ठीक है। अभी और कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ये कटेगा 2 × 8 और नहीं 4 × 2 8 और 13 × 52, कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा 13/2। आर का मान कितना हो गया 13/2, ठीक है। अब कितनी वृद्धि हुई, तो अपन देखेंगे इसमें कितना हो जाता है मूलधन, 1052 हो जाता है, 1052 हो जाता है, 1052। तो 1052 में करेंगे अपन, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, 1052 माइनस 800, तो साधारण ब्याज होगा 252, ठीक है। तो साधारण ब्याज 252 हो गया, तो अपन अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज ये जी 252 हो गया है, तो अपन ये करेंगे कि अपन सूत्र लगाएंगे, 252 बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन 800 गुणे दर, दर कितनी है 13/2, प्लस कितनी की वृद्धि की जाती है, आर की वृद्धि की जाती है, अपन ने माना, यहाँ लिख देते हैं माना आर प्रतिशत की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई, ठीक है माना। तो ये हो जाएगा इनटू समय कितना है, समय कितना बताता है ये 3 वर्ष अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 8 × 3 = 24, 8 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, ठीक है। अब कैसे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 21 हो गया ये, और ये बटे में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2 बराबर 13/2 प्लस आर, इस साइड जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आर बराबर 21/2 माइनस 13/2, मतलब 21 और 7 = 8/2, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4%, मतलब कितनी वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई, ये इसका आंसर हो जाएगा।